The following content is provided under India's first open courseware program. Your support will help RJ Academy continue to offer high quality educational resources for free. कैमियर काइनेटिक्स के इस कोर्स को सबसे पहले आप लोगों ने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया। पार्ट ए के अंदर आपने पढ़ी काइनेटिक्स ऑफ सिंपल रिएक्शन, पार्ट बी में आप लोगों ने पढ़ी काइनेटिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और पार्ट सी के अंदर आप लोग थ्योरीज को पढ़ रहे थे। सबसे पहले आपने कंसेप्ट देखा हुड का, उसके बाद आपने पढ़ी आर्नियस की इक्वेशन, आर्नियस की थ्योरी आपने पढ़ी, फिर उसमें कुछ लिमिटेशंस देखी, वहां से आपने इंट्रोड्यूस किया अपने गार्डनर के कंसेप्ट को, और उसके बाद आप लोगों ने पढ़ी कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट। तो आज इस क्लास के अंदर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट से आपसे पूछे गए थे प्रीवियस ईयर के अंदर, चाहे वो सीएसईआर नेट एग्जाम हो या फिर गेट का एग्जाम हो। उसके बाद इंट्रोड्यूस करेंगे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी को। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को, लेकिन उससे पहले इंट्रो। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is lecture number 22 of Chemical Kinetics. अगर आप लोगों ने previous videos नहीं देखे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ RJ Academy के YouTube चैनल के ऊपर जाना है। वहाँ पर प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर आपको प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी Chemical Kinetics की, स्टार्टिंग से ऑन कर लो, सब कुछ आपको समझ में आएगा। बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको कवर कराया हुआ है। लास्ट क्लास के अंदर हमने एक थ्योरी पढ़ी थी कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट, मैंने कहा था वो पहली थ्योरी है जिसके ऊपर आप लोग माइक्रोस्कोपी लेवल के ऊपर जाकर चीज़ों को पढ़ते हैं। उसके आपने फीचर्स भी देख लिए थे और आज हम लोग करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस जो सीएसआईआर नेट के अंदर और गेट एग्जाम के अंदर आपसे पूछे गए थे फ्रॉम कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट। उसके बाद इसकी लिमिटेशन पढ़ेंगे और फिर इंट्रोड्यूस कर देंगे अपनी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी को। तो यहां से काफी अजीब अजीब क्वेश्चंस आते हैं, लंबे लंबे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन बहुत ईजी आते हैं। अगर आपको इक्वेशंस याद है तो आप लोग आराम से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे विद इन 30 सेकंड्स या फिर 40 सेकंड्स के अंदर आप लोग इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। देखिए, अगर आपके पास इक्वेशन बड़ी है तो उसके अंदर वैल्यूज, उसके अंदर वेरिएबल्स भी बहुत ज्यादा होंगे, तो अगर उनकी वैल्यूज गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर तो उनकी वैल्यूज को पुट करके आपको कैलकुलेशंस भी लंबी करनी पड़ेगी। अगर गेट का एग्जाम है तो कैलकुलेटर है आपके पास, आराम से कर लोगे, तो वहां पर आपके पास लेंथी कैलकुलेशन क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन अगर बात करता हूं सीएसआईआर नेट के अंदर तो वहां पर आपके पास कैलकुलेशंस लंबी नहीं आती, लेकिन उन्हीं इक्वेशंस का यूज करकर वो आपको कैलकुलेशन आसान बनाकर खुद दे देगा। कैसे देते हैं उसको हम क्वेश्चन में देख लेंगे। तो सबसे पहले ट्राई करते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन को। सीएसआईआर नेट 2018 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? दैट फॉर द रिएक्शंस एक्स प्लस वाई गिव जेड एंड एम प्लस एन गिव्स पी। दो आपके पास इक्वेशन है यहां पर। अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी द रेशियो ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ऑफ रिएक्शन टू एंड रिएक्शन वन एट सेम टेम्परेचर। आपको यहां पर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर के स्क्वेयर, आपको रेशियो लेना है, उसके बाद उसके स्क्वेयर की वैल्यू को यहां पर बताना था। आपके पास चार ऑप्शन गिवन है और आपको कुछ डेटा भी यहां पर गिवन है कि आपके पास जितनी भी यहां पर स्पीसीज यूज हो रही है, एक्स यूज हो रहा है, वाई यूज हो रहा है, एम यूज हो रहा है, एन यूज हो रहा है, तो इसका मास भी आपको गिवन है और इसका आपको डायमीटर भी गिवन है। तो इसकी आपको जरूरत पड़ती है, आपने इक्वेशंस देखी है कि कैसे आप लोग प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर को निकालते हो। तो इस क्वेश्चन को कर देखते हैं कैसे आप लोग जो कर सकते हो। आपको पता है कि अगर आप लोग कोलिजन थ्योरी का यूज कर रहे हो तो उसके अंदर जो आपका प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर होता है वो आपका बराबर होता है अंडर रूट ऑफ 8 KT डिवाइडेड बाय पाई म्यू। इसको आप लोग क्या बोल सकते हो? म्यू एवरेज भी बोल सकते हो। उसके बाद आपने क्या किया था? पाई से मल्टीप्लाई किया था। सिग्मा ए बी, यानी कि आप लोग यहां पर बात कर रहे हो एम एन कंपाउंड की, एम और एन आपका रिएक्ट कर रहा है मान लो, तो आप लोग क्या बोलोगे? सिग्मा एम एन बोलोगे। इसका आपको स्क्वेयर करना पड़ेगा, इंटू में आप लोग आते हो स्टेरिक वाला फैक्टर इंटू में रो, और उसको आप लोग क्या लगाओगे? एन ए लगाओगे। तो ये आपके पास क्या था? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर था फॉर कोलिजन थ्योरी। ये आर्हेनियस का नहीं है, अगर आपको आर्हेनियस का लिखना पड़ेगा तो उसके साथ आपको ई रेज टू दी पावर टी के ऊपर जो भी पावर होती है, यहां पर टी के ऊपर पावर क्या है? 1/2 है, तो आपको e raised to the power 1/2 भी लगाना पड़ेगा। लेकिन आपको यहां पर रेशियो बताना है सिर्फ और सिर्फ आपकी कोलिजन थ्योरी का, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर का। तो इस वाले पार्ट को मैं यहां पर इरेज कर देता हूं। तो आपको यहां पर निकालना है अपना a2, आपको यहां पर निकालना है a1, a1 आपका कोरेस्पोंडिंग है x और y के लिए, और a2 आपका कोरेस्पोंडिंग है m1 y के लिए। तो यहां पर मैंने यहां पर वैल्यूज को पुट किया हुआ है इसी इक्वेशन के अंदर, पुट करके क्या बन जाएगा आपके पास? 8 KT अपॉन में पाई म्यू n का अंडर रूट बन जाएगा। बात कर रहा हूं यहां पर m और n के लिए, तो मैं यहां पर म्यू किसका लूंगा? m और n का ही लूंगा। उसके बाद पाई सिग्मा किसका लूंगा मैं? एम और एन का लूंगा, स्क्वेयर कर दूंगा इनटू में स्टेरिक एन फैक्टर यानी कि रो इनटू में एन ए। उसके बाद आपने यहां पर लिखना है a1, ये किसके लिखोगे आप लोग? एक्स और वाई के लिए लिखोगे। कैसे लिखोगे इसको? अंडर रूट ऑफ 8 KT अपॉन में पाई म्यू ऑफ एक्स वाई। यहां पर आपको रिड्यूस मास किसका लेना है? एक्स और वाई का लेना है, इनटू में पाई सिग्मा एक्स वाई का स्क्वेयर इनटू में रो इनटू में एन ए। अगर रो के बारे में इंफॉर्मेशन आपको नहीं दिए बन है तो आप लोग मानकर चलोगे कि स्टेरिक फैक्टर दोनों ही कंपाउंड्स के लिए, दोनों चारों स्पीशीज के लिए आपके पास सेम है। जितना एंट्रेंस आपके पास यहां
यहाँ पर हो रहा है उतना ही हिंड्रेंस आपके पास यहाँ पर हो रहा है, रो को आप लोग सेम मानकर चलोगे। अगर आपको इसका रेशो निकालना है तो देखिए, एट रूट से आपका एट रूट कट जाएगा, के से आपका के कट जाएगा, पाई से आपका पाई कट जाएगा, टेम्परेचर भी सेम है तो टेम्परेचर से आपका टेम्परेचर भी कट जाएगा, पाई से यहाँ पर भी पाई कट जाएगा, रो आप सेम मानकर चल रहे ये भी कट जाएगा, एन ए से आपका एन ए कट जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर क्या क्या बच जाएगा, सिर्फ म्यू और एम एन बच जाएगा, और यहाँ पर आपके पास क्या बच जाएगा, सिग्मा एम एन का स्क्वायर बच जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या क्या चाहिएगा, आपको यहाँ पर चाहिए रिड्यूस मास कितना है और आपको चाहिए कि उसका कोलिजन डायमीटर कितना है। कोलिजन डायमीटर निकालने के लिए आपको हर एक स्पीसीज के कोरस्पॉन्डिंग कोलिजन डायमीटर चाहिएगा, और रिड्यूस मास निकालने के लिए आपको हर एक स्पीसीज के कोरस्पॉन्डिंग क्या चाहिएगा, मास चाहिएगा। तो ये दोनों डेटा आपको यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन के अंदर ही। तो आप लोग यहाँ से क्या निकाल सकते हो, आप लोग यहाँ से क्या निकाल सकते हो, सिग्मा एक्स वाई निकाल सकते हो और सिग्मा एम एन को भी निकाल सकते हो। अगर यहाँ पर इस डेटा की कोरस्पॉन्डिंग आप लोग निकालोगे तो कैसे निकालते हो, आप यहाँ पर क्या करोगे, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाई टू करोगे। यहाँ पर सिग्मा एक्स कितना गिवन है, 0.3 गिवन है, प्लस 0.5 डिवाइड बाय आप लोग क्या कर दोगे, इसको 2 से डिवाइड कर दोगे, यानी कि आपके पास क्या आ गया, 0.8 डिवाइड बाय 2 आ गया। अगर मैं बात करता हूँ सिग्मा एम एन की, तो इसके अंदर भी आप लोग क्या करोगे, सिग्मा एम प्लस सिग्मा एन करोगे, यानी कि 0.4 प्लस 0.4 डिवाइड बाय 2 करोगे, यानी कि 0.8 बाय 2 करोगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर तो आपका सिग्मा ऑफ एन एम एन और सिग्मा ऑफ एक्स वाई भी आपका क्या निकल कर आ गया, सेम निकल कर आ गया, यानी कि आप लोग यहाँ से इसको भी एक्सप्रेशन में से काट सकते हो। तो आपको सिर्फ और सिर्फ रिड्यूस मास निकालना है एक्स वाई का और एम एन का, और आपको यहाँ पर मासेस गिवन भी है। इसका आप लोग कैसे निकालोगे, 20 × 20 + 5 / 20 × 5, और इसका आप लोग कैसे निकालोगे, 10 + 10 / 10 × 10। तो इनकी कैलकुलेशन आप लोग कर लो, इनका रेशियो का स्क्वायर आप लोग निकाल कर देख लीजिएगा। जो भी आपका आंसर आता है उसे नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर कमेंट करना, ताकि जो बच्चे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं उनकी थोड़ी सी यहाँ पर हेल्प हो जाए। अब चलते हैं आगे, करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि आपसे पूछा गया था गेट 2008 के अंदर। क्वेश्चन आपके सामने क्या है, कंसीडर द रिएक्शन H2 + C2H4 गिव्स C2H6। ये आपके पास कोई रिएक्शन है, द मोलिकुलर डायमीटर ऑफ H2 एंड C2H4 आर 1.8 एमस्ट्रॉन्ग एंड 3.8 एमस्ट्रॉन्ग रेस्पेक्टिवली, द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर इन द रेट कॉन्स्टेंट यूजिंग कोलिजन थ्योरी इज अप्रोक्सीमेटली एट 300 केल्विन टेम्परेचर। आपको यहाँ पर कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए इस पूरे फैक्टर की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी गिवन है आपको, वैल्यू गिवन है 1.11 × 10⁻²⁷ मीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, वेयर द सिंबल हैव देयर यूजुअल मीनिंग। तो आपके पास यहाँ पर चार ऑप्शन है, आपको क्या निकालना है, यहाँ पर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर को निकालना है। तो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर बात की थी कि जो आपका प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर होता है वो आपके पास क्या होता है, आपको लिखना पड़ता है यू एवरेज, जो कि आपका क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 8 KT अपॉन में पाई म्यू। फिर आपको करना पड़ता है एरिया, एरिया कैसे करोगे, पाई इंटू में आर का स्क्वायर। यहाँ पर आपके आर क्या होता है, कोलिजन डायमीटर होता है, यानी कि कौन सा, एवरेज कोलिजन डायमीटर क्या होगा वो, सिग्मा ए बी का स्क्वायर इंटू में आप लोग क्या करते हो, रो करते हो, इंटू में आप लोग क्या करोगे, एन ए कर दोगे। तो ये आपके पास क्या होता है, पूरा की पूरा आर्हेनियस का फैक्टर होता है। अब इसके अंदर आपको अगर रो के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो आप रो को वन मारकर चलोगे। अगर आपके पास एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया जिसके अंदर आपको रो की जरूरत पड़ रही है लेकिन उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन के अंदर नहीं गिवन है, तो आप रो की वैल्यू को वन लेकर चलने वाले हो। तो यहां पर मैं रो को वन लेकर ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। उसके बाद अगर आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो आपको यहां पर वैल्यू गिवन है अंडर रूट ऑफ 8 KT डिवाइडेड बाय पाई म्यू की वैल्यू आपको यहां पर गिवन है, इनटू में एन ए भी साथ में इंक्लूड किया हुआ है, और उसकी वैल्यू आपको यहां पर डायरेक्ट गिवन है, यानी कि ये जो आपका एक्सप्रेशन है इसके अंदर से अंडर रूट ऑफ 8 KT अपॉन में पाई म्यू और साथ में आपका जो एन ए है इसकी वैल्यू आपको एज इट इज गिवन है। तो उसकी मैंने क्या कर दिया, यहां पर एज इट इज वैल्यू को पुट कर दिया, पाई आपके पास था पाई यहां पर कर दिया, सिग्मा ए बी का स्क्वायर रहेगा और रो को मैंने क्या मान लिया, वन मान लिया। तो सारी वैल्यू इसको पुट कर दिया है, सिग्मा ए बी आपको चाहिए तो सिग्मा ए बी के लिए आपको क्या चाहिएगा, सिग्मा ए चाहिएगा और आपको सिग्मा बी चाहिएगा, दोनों वैल्यूज आपको गिवन है, आपको सिर्फ सिग्मा ए बी निकालना है। तो कैसे निकालते हो, सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी डिवाइडेड बाय 2 करोगे। तो यहां पर क्या करोगे, 1.8 प्लस में 3.6 डिवाइडेड बाय 2 करोगे, लेकिन जो भी आपका सिग्मा ए बी आएगा उसकी जो यूनिट होगी आपके पास क्या होने वाली है, आर्मस्ट्रांग होने वाली है, लेकिन जो आपको यहां पर जिस फैक्टर की वैल्यू गिवन है ये आपको गिवन है मीटर और उसके बाद मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स के अंदर। तो अगर ये मीटर के अंदर गिवन है तो आपको कोलिजन डायमीटर की वैल्यू भी मीटर के अंदर ही लेनी पड़ेगी। तो मैंने यहां पर क्या किया हुआ है, मैंने अपने सिग्मा ए बी को कैलकुलेट करते हुए 10⁻¹⁰ से मल्टीप्लाई किया हुआ है ताकि आपका आर्मस्ट्रांग मीटर के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो कन्वर्जन कर दोगे, सिग्मा ए बी निकल गया, ए बी की वैल्यू को यहां पर पुट कर दो, क्वेश्चन आपका गेट का है, कैलकुलेटर आपके पास अलाउड है, तो आप लोग इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन कर लो। जो भी आपका आंसर आता है उसे नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर कमेंट करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहां पर लिखा हुआ है, इन एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व रेट कॉन्स्टेंट इज ग्रेटर देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेट कॉन्स्टेंट ऑब्टेन्ड यूजिंग हार्ड स्पेयर मॉडल ऑफ कोलिजन थ्योरी, द रिलेशन बिटवीन द इंपैक्ट पैरामीटर एंड सम ऑफ रेडियाई ऑफ द टू रिएक्टेंट। अगर आपके पास एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व रेट कॉन्स्टेंट ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब उसने ज्यादा कोलिजन को उसके अंदर क्या कर लिया है, इंक्लूड कर लिया है। तो कुछ कोलिजन ऐसे भी रहे
होंगे जिसको यहाँ पर फालतू में इंक्लूड किया गया है, और वो कोलिजन कौन से होंगे जिसके अंदर जो आपका इंपैक्ट पैरामीटर है उसकी, यानी कि आपके पास मान लीजिए एक मोलिक्यूल आपके पास यहाँ पर है और दूसरा मोलिक्यूल आपके पास यहाँ पर है, ये वाला मोलिक्यूल इस साइड मूव कर रहा है और ये वाला मोलिक्यूल इस साइड मूव कर रहा है, तो कुछ टाइम के बाद ये यहाँ पहुँच जाएगा और ये वाला मोलिक्यूल आपके पास यहाँ पहुँच जाएगा। ये किसका ए मोलिक्यूल है, आपके पास क्या है बी मोलिक्यूल है, तो इसका भी अपने आपके पास यहाँ पर क्या होगा, इसका भी आपका यहाँ पर कोलिजन डायमीटर होगा। इसका मान लीजिए सेंटर, न्यू सेंटर आपके पास यहाँ पर है, इसका सेंटर आपके पास यहाँ पर है, तो दोनों सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस होता है इसके क्या बोलते हैं आप लोग इंपैक्ट पैरामीटर बोलते हो। तो यहाँ पर आपके पास इसका खुद का एक रेडियस होगा, इसको क्या बोलोगे आर ए बोलोगे, इसे आप लोग क्या बोलोगे आर बी बोलोगे। तो अगर आपका इंपैक्ट पैरामीटर बड़ा होता है आर ए प्लस आर बी से, इसका मतलब आपके बीच पास कोई भी कोलिजन नहीं हो रहा। तो यहाँ पर आपके पास कुछ कोलिजन एक्स्ट्रा ऐड किए गए हैं, तो वो यही कोलिजन होंगे जिसको आपके पास कोलिजन हो भी नहीं रहे हैं लेकिन उसको यहाँ पर माना गया है कोलिजन के अंदर। तो इसका मतलब जब भी आपका इक्वल्स टू होता है आर1 प्लस आर2 के, इसका मतलब क्या होता है आपके पास हेड ऑन कोलिजन होता है, तो वो तो आपके पास रेट कांस्टेंट के अंदर आपका इंक्लूजन होगा उसका। अगर आपके पास बी बड़ा हो जाता है आर1 प्लस आर2 से, तो उस केस के अंदर कोलिजन नहीं होता है, तो आपके पास यहां पर जो बी ऑप्शन है आपके पास क्या हो जाएगा, यहां पर ये सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, बी आपका छोटा होगा आर1 प्लस आर2 से, तो आपके पास कोलिजन होता है, तो वो फैक्टर आपके पास इंक्लूड होगा रेट कांस्टेंट को कैलकुलेट करने के अंदर। और अगर आपका बी छोटा या फिर इक्वल्स टू होता है आर1 प्लस आर2 के, तो वहां पर भी कोलिजन होता है, तो वो भी आपका इंक्लूड होगा, यानी कि ऑप्शन बी यहां पर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। सही क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहां पर ये कोलिजन आपके पास हो भी नहीं रहा है लेकिन उसको आपको इंक्लूड कर लिया, इसीलिए आपकी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आ रही है वो ज्यादा आ रही है। अगर आप लोग इसको निकाल दोगे अपनी वैल्यू के अंदर से, तो शायद आपकी वैल्यू अपनी लिटरेचर वैल्यू के साथ वो मैच कर जाए। तो कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने देखे हैं, ये भी CSIR नेट के और गेट एग्जाम के, तो एक क्वेश्चन काफी पुराना क्वेश्चन है, ये गेट 1991 के अंदर आया था। क्वेश्चन क्या है मैं आपके यहां पर पढ़ देता हूं, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, बाकी मैं इसको आपको पढ़ा भी चुका हूं, आपको आता भी है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, इन कोलिजन थ्योरी द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर इज, तो अभी तक हम लोग प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर की बात कर रहे थे, उसके अंदर बार बार आप लोग क्या कर रहे थे 8KT/πμ कर रहे थे, यानी कि वो अंडर रूट टी के साथ टेम्परेचर के साथ क्या कर रहा है वेरी कर रहा है। दैट मींस आपके पास यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। तो काफी इजी क्वेश्चंस आते हैं, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी आप लोगों ने देख लिए, न्यूमेरिकल्स भी आप लोगों ने देख लिए, ज्यादा चीजें नहीं करवाएगा, सिर्फ और सिर्फ पे एक्सपोनेंशियल फैक्टर को निकलवाएगा और ज्यादा हार्ड कैलकुलेशन भी वो आपको नहीं देगा। तो कैलकुलेशन भी इजी आती है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी इजी आते हैं, तो इस थ्योरी को आप लोग बिल्कुल भी मत छोड़कर जाना। अब पहली थ्योरी थी तो इसके पास लिमिटेशंस भी बहुत ज्यादा होंगे। पहली लिमिटेशन तो यही है कि उसने क्या मान लिया था, सबको हार्ड स्फीयर मान लिया था जो कि पॉसिबल है ही नहीं, तो उसको पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने यहां पर लिखा हुआ है, ऑल्दो कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट इज सेटिस्फैक्ट्री व्हेन अप्लाइड टू रेट ऑफ रिएक्शन बट फेल्स इन मेनी केसेस लाइक इन चेन रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, रिएक्शन इन सॉल्यूशन फेज एक्सेट्रा, सो इट इज क्रिटिसाइज्ड बिकॉज दिस थ्योरी हैज अ नंबर ऑफ ड्रॉबैक। सबसे पहला ड्रॉबैक क्या है, जो आपने यहां पर अजम्पशन ली थी दैट रिएक्शन मॉलिक्यूल इज हार्ड स्फीयर, यही आपके पास गलत है। कोई भी आपके पास मॉलिक्यूल हार्ड स्फीयर नहीं होता, कि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में बॉन्डिंग होती है, तो वो कैसे आपके पास एक स्फीयर बना पाएंगे, आपके पास स्फीयर तो वो बिल्कुल भी नहीं बनेगा। सो इट इज ए वेरी क्रूड कंसेप्ट जिसको मानकर आपकी पूरी थ्योरी दी गई थी, तो आपके पास पहली अजम्पशन ही गलत थी। सेकंड यहां पर क्या गलत है, द वैल्यू ऑफ स्टेरिक फैक्टर फाउंड टू बी वेरी फ्रॉम 10^-9 to 1, ये मैंने आपको बताया था कि आपकी जो स्टेरिक फैक्टर है उसकी वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर सकती है, इट सीम्स टू बी फ्लूक, क्योंकि आप इस वैल्यू कैसे निकाल रहे हो उसके ऊपर आपके पास कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं था, देयर इज नो सिंगल मॉडल गिवन टू एक्सप्लेन द स्टेरिक फैक्टर, तो बस आपकी वैल्यू को मैच कराने के लिए वो किसी भी वैल्यू को जोड़ देता था, उसको क्या बोलता था, वो स्टेरिक फैक्टर बोल देता था, जिसकी वैल्यू 10^-9 से 1 के बीच में वैरी करती है, 1 से बड़ी इसकी वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि इसको इंक्लूड इसलिए किया गया था ताकि आपका एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व रेट कॉन्स्टेंट जो थोड़ा सा क्या हो जाए वो कम हो जाए, क्योंकि आपके पास वो ज्यादा निकल कर आ रहा था। उसके बाद थर्ड पॉइंट मैंने यहां पर लिखा हुआ है, थ्योरी फेल्ड कंप्लीटली फॉर रिएक्शन अकरिंग इन सॉल्यूशन फेज एंड कंसीडर एज एप्लीकेबल द रिएक्शन बिटवीन सिंपल गैसियस मॉलिक्यूल ओनली। मैंने कहा था कि सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन को आप लोग यहां पर कंसीडर करते हो, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम को कंसीडर करते हो, इसका मतलब आप लोग यहां पर सॉलिड्स की या फिर लिक्विड्स की बात नहीं कर सकते। तो अगर आपके पास रिएक्शन सॉल्यूशन फेज के अंदर हो रही है तो आप लोग यहां पर इस थ्योरी को अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ गैसियस फेज रिएक्शन के लिए ही आप लोग अपनी इस थ्योरी को अप्लाई कर सकते हो। फीचर नंबर 4, ओनली ट्रांसलेशन मोशन इज टेकन इनटू अकाउंट। मैं आपको बता चुका हूं कि सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को ही यहां पर इंक्लूड किया गया था। उसके बाद मैंने यहां पर लिखा हुआ है पांचवा ड्रॉबैक, इट इज अनेबल टू एस्टेब्लिश एनी लिंक बिटवीन केमिकल काइनेटिक्स एंड थर्मोडायनामिक्स, हाउएवर देयर आर मेनी एविडेंस अबाउट दैट लिंक। इसके बारे में क्या क्या एविडेंस है वो हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट थ्योरी के अंदर। तो काफी सारे एविडेंस थे कि आप लोग थर्मोडायनामिक्स को भी अपने केमिकल काइनेटिक्स के साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन इस थ्योरी किसी भी तरीके से आपकी ये वो जो आपके पास थ्योरी आपने पढ़ी है कोलिजन थ्योरी रिएक्शन रेट, ये थ्योरी आपकी किसी भी तरीके का कनेक्शन बनाने में बिल्कुल
भी सफल नहीं हुई। तो अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट थ्योरी जो आपके पास क्या है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी है। इसको आप लोग कई नाम से जानते हो, जैसे कि आप लोग इसको बोल सकते हो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, इसको आप लोग बोल सकते हो एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट थ्योरी, इसको आप लोग बोल सकते हो ईरिंग एंड इवांस थ्योरी। तो काफी ज्यादा नाम है, कोई भी नाम आपको देखने को मिल सकता है, शॉर्ट फॉर्म भी मिल सकती है ACT या फिर TST। तो इसका आपको सारे नाम पता होने चाहिए ताकि जब आप इसके क्वेश्चन करो तो आपको पता चल जाए कि आपको कौन सी थ्योरी अप्लाई करनी है। क्वेश्चन के अंदर वो पूरा आपको एक्सपेंड फॉर्म भी दे सकता है कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी का यूज करो, या फिर वो डायरेक्ट ACT भी लिख सकता है। तो आपको इसकी शॉर्ट फॉर्म भी और आपको इसकी फुल फॉर्म भी याद करनी है, और जितने भी इसके नाम है ये नाम भी आपको याद होने चाहिए। थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आखिर थ्योरी आपके पास किसके ऊपर बेस है। मॉलिक्यूलर बेस के ऊपर थ्योरी होने वाली, जितनी भी थ्योरी पढ़ेंगे वो किसके ऊपर बेस होने वाली है, अब मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर आप लोग जाकर चीजों को पढ़ते हो। तो अगर आपसे पूछता हूं कि आपका जो रेट है वो क्या होता है, तो आप लोग क्या लिखते हो, DA/DT लिखते हो, यानी कि ऊपर आप लोग क्या लिखते हो, चेंज इन कंसंट्रेशन, नीचे लिखते हो चेंज इन टाइम। तो बेसिकली ये क्या है, कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम ही तो है। तो 1/टाइम का आप लोग क्या बोलते हो, फ्रीक्वेंसी भी बोलते हो। तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये कंसंट्रेशन इनटू फ्रीक्वेंसी बन जाएगा। तो यहां पर इस थ्योरी ने आपको कहा कि जो भी आपके पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो आपके पास प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट तो हो रहा है, लेकिन वो किसी इंटरमीडिएट के थ्रू जाएगा। और इंटरमीडिएट मतलब आपके पास क्या होगा, यहां पर कोई ना कोई ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। जैसे कि आप लोग बनाते हो अपना डायग्राम को कि अगर आपके पास कोई भी रिएक्टेंट है तो उसको एक एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ता है। यहां पर पास क्या होने वाली, कोई ना कोई ट्रांजिशन स्टेट होने वाली है, जिसको क्रॉस करके वो क्या कर सकता है, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होने वाला है। तो इसने कहा कि सबसे पहले आपका रिएक्टेंट जो है वो एक ट्रांजिशन स्टेट के अंदर कन्वर्ट होने वाला है, उसके बाद वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होगा। ऐसा नहीं होता कि वो डायरेक्टली प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाए। और उसने ये भी कहा कि जो आपका रिएक्टेंट है वो आपकी ट्रांजिशन स्टेट के साथ इक्विलिब्रियम के अंदर प्रेजेंट होता है। दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन जाता है यहां के ऊपर कि आपके पास जो इक्विलिब्रियम है वो किस किस के बीच में है। तो आपके पास जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं और जो आपके पास ट्रांजिशन स्टेट मॉलिक्यूल होते हैं, इनके बीच में इक्विलिब्रियम होता है, और उसके बाद वो क्या बन जाएगा, आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा। देखिए, अगर आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है और उसको प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होना है, तो ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट रिएक्टेंट से कहां चला जाता है, प्रोडक्ट के अंदर चला जाता है। उसको पहले कहां जाना पड़ेगा, एक हाई एनर्जी सिस्टम के अंदर जाना पड़ेगा, यानी कि कहां जाना पड़ेगा, एक ट्रांजिशन स्टेट पर जाना पड़ेगा, उसके बाद ही वो यहां तक जा सकता है। तो ऐसा नहीं होता कि जितने भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपके ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंच जाते हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, कुछ आपके पास वापस भी आ जाते हैं। इसीलिए आपके रिएक्टेंट्स और आपके पास जो ट्रांजिशन स्टेट के अंदर जो भी स्पीशीज होती है वो सारी की सारी इक्विलिब्रियम के अंदर एग्जिस्ट करती है। तो उनके अंदर से कुछ स्पीशीज आपके पास प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाएगी। तो उसने कह दिया कि जो यहां पर फ्रीक्वेंसी टर्म है, इसका मतलब क्या है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ डीकंपोजिशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, कि आपका जो रेट है, यानी कि किस रेट से आपका प्रोडक्ट बन रहा है, वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि किस फ्रीक्वेंसी से आपकी जो ट्रांजिशन स्टेट है वो डीकंपोज हो रही है। अगर वो डीकंपोज होगी तभी आपके पास प्रोडक्ट बनने वाला है। अगर आपके पास ये ट्रांजिशन स्टेट वापस जाती है, वापस से कहां कन्वर्ट हो जाए, वो रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाए, तो आपके पास तो प्रोडक्ट कुछ भी नहीं बनेगा। तो आपके पास रिएक्शन का कोई रेट नहीं है, क्योंकि रिएक्शन ही नहीं हुई है। दैट मींस आपका जो रेट है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ डीकंपोजिशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनेगा, जितना ज्यादा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा, उतने ज्यादा चांसेस होंगे किसके अंदर जाने के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर जाने के अंदर। इसलिए आपका जो रेट होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इस थ्योरी का बेस यही है कि जो आपका रेट होता है वो सिर्फ दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, कि जो आपके पास एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसकी कंसंट्रेशन कितनी बन रही है, और वो किस फ्रीक्वेंसी के साथ डीकंपोज होकर प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि जो आपके पास, मान लीजिए आपके पास कोई रिएक्टेंट है A+B, आपके मॉलिक्यूल जो है वो रिएक्ट कर क्या बना रहे हैं, सबसे पहले एक ट्रांजिशन स्टेट बनाएंगे, उसके बाद इस स्टेट से वो कहां जाएंगे, प्रोडक्ट के अंदर जाएंगे। और मैं कह रहा हूं कि आपके जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं और जो इंटरमीडिएट होता है, इनके बीच में क्या होता है, आपके पास एक इक्विलिब्रियम होता है। तो इसका क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी होगा, जिसकी वैल्यू आप लोग कैसे निकाल सकते हो कि इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अगर दो रिएक्टेंट हो तो आप क्या लिखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ B। अगर एक रिएक्टेंट हो क्या लिखोगे आप लोग, कंसंट्रेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A। तो जितने भी रिएक्टेंट्स होते हैं उनकी कंसंट्रेशन आप लोग यहां पर नीचे ऐड करते जाते हो, लेकिन ऊपर क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट आएगा। तो अगर आपको कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट की वैल्यू निकालनी है, तो इन कंसंट्रेशंस को आप लोग क्या करो, इस साइड में ले जाओ, तो आपके पास क्या निकल जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट इज इक्वल टू K इक्विलिब्रियम इनटू में A की कंसंट्रेशन इनटू में B की कंसंट्रेशन। और आप लोग अभी कह रहे थे कि जो आपका रेट है वो कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिविटीज कॉम्प्लेक्स होता है इनटू में फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। तो अगर फ्रीक्वेंसी को मैं भी बोल रहा हूं, तो मैं यहां पर कंसंट्रेशन की वैल्यू को पुट कर देता हूं, क्या निकली है, वो निकली है K इक्विलिब्रियम इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ B। ये आपके पास जो फ्रीक्वेंसी होगी, इसको मैं इधर भी लिख सकता हूं, तो मैं क्या लिख दूंगा, K इक्विलिब्रियम इनटू में फ्रीक्वेंसी इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ B। और अगर आप लोग इस रेट की इक्वेशन को कन्वेंशनल रेट से इंपेयर करोगे, तो आप लोग बोल सकते हो कि आपके पास जो रेट कांस्टेंट निकल गया, ये आपके पास क्या हो जाता है, K इक्विलिब्रियम इनटू में फ्रीक्वेंसी फैक्टर हो जाता है। अब इस पॉइंट के बाद इस रेट कांस्टेंट की इक्वेशन का थर्मोडायनामिक ट्रीटमेंट
ट्रीटमेंट करने वाले हैं, स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ी है तो आप लोग प्लीज जाकर पढ़ लीजिए। आरजे एकेडमी के ऊपर मैंने सारे लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। अगर आप लोगों ने स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ी है तो आपको पार्टीशन फंक्शन के बारे में नहीं पता होगा, और स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट करते हुए हम लोग पार्टीशन फंक्शन का यूज करते हुए अपनी रेट की रेट कॉन्स्टेंट की इक्वेशन को निकालेंगे, उसके बाद अपने गार्डन इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, वहां से हम लोग क्या निकालने वाले हैं, एक्टिवेशन एनर्जी निकालेंगे और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर निकालेंगे। सेम चीजें हम लोग यहां पर भी करने वाले हैं। थर्मोडायनेमिक ट्रीटमेंट के अंदर हम लोग क्या कहां जाएंगे, गिब्स के पास जाएंगे, गिब्स और के क्यूएम का रिलेशन देखेंगे, वहां से हम लोग क्या निकालेंगे, अपनी रेट की इक्वेशन निकालेंगे, उस रेट की इक्वेशन को गार्डनर की इक्वेशन से कंपेयर करेंगे और उसके बाद क्या निकालेंगे, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और एक्टिवेशन एनर्जी निकाल लेंगे। तो अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप लोग स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स को कंप्लीट कर लो। इसके आगे हम लोग कैसे बढ़ने वाले हैं, गिब्स के से बढ़ेंगे, और इसके आगे हम लोग कैसे बढ़ने वाले हैं, अपने पार्टीशन कोफिशिएंट पार्टीशन फंक्शन की वजह से बढ़ेंगे। तो पार्टीशन फंक्शन आप लोग कहां पढ़ते हो, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ते हो, गिब्स आप लोग कहां पढ़ते हो, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ते हो। दोनों चीजें आप लोग पढ़ लो, दोनों चीजें मैंने ऑलरेडी कवर करा रखी हैं आरजे एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कुछ पोस्टुलेट्स आपकी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी के। तो पोस्टुलेट नंबर 1 मैंने यहां पर लिखा हुआ है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स आर फॉर्मड बाय लूज एसोसिएशन ऑफ बॉन्डिंग ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल और बाय रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। मैं आपसे कह रहा था कि जो आपके रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से पहले कहां पर जाएंगे, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनाएंगे, एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को बनाएंगे, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हो। तो इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। इसका मतलब क्या है, एनर्जी ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि इनके बीच में बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी नहीं होती, इनके बीच में काफी क्या होती है, बहुत ही लूज बॉन्डिंग होती है। अगर बहुत लूज बॉन्डिंग होगी तो आपका कॉम्प्लेक्स होता है बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक हो जाएगा, बिल्कुल भी वो स्टेबल नहीं रहेगा। और यहां से जो आपका कॉम्प्लेक्स होता है ये या तो ब्लड के अंदर कन्वर्ट हो सकता है या फिर वो वापस से क्या जा सकता है, आपके पास रिएक्टेंट के अंदर जा सकता है। तो जो आपका रेट होता है वो डिपेंड करता है कि जो आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है इसकी कंसंट्रेशन कितनी बनी है और किस फ्रीक्वेंसी से ये डीके होकर प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। सेकंड पोस्टर मैंने यहां पर लिखा हुआ है, द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हैज बीन कंसीडर्ड एज अ सेपरेट एंटिटी एंड देयर एग्जिस्ट एन इक्विलिब्रिया बिटवीन रिएक्टेंट एंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये चीज मैं आपको बता चुका हूं कि जो आपका रिएक्टेंट होता है और जो आपका ट्रांजिशन स्टेट होता है उसके पास जो स्पेस होती है उनके बीच में क्या होता है, आपके पास एक इक्विलिब्रियम होता है। इस पोस्टुलेट को आप याद रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन आ भी चुका है प्रीवियस ईयरली, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला पोस्टुलेट। उसके बाद द कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स मे बी ऑब्टेंड बाय अप्लाइंग इक्विलिब्रियम कंडीशन। आपके पास कंडीशन क्या है, ए और बी आपके पास रिएक्टेंट है, पहले क्या बनाएंगे, एक ट्रांजिशन स्टेट बनाएंगे, उसके बाद क्या बना लेंगे, वो प्रोडक्ट बना लेंगे। यहां पर आपके पास क्या होता है, कोई इक्विलिब्रियम होता है जिसका आप लोग वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, उसकी कंसंट्रेशन की आप लोग निकाल सकते हो। इसकी कंसंट्रेशन इक्वल टू होती है के इक्विलिब्रियम इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। ये चीज मैं आपको बता चुका हूं, आप लोग क्या लिखते हो कि आपका जो के इक्विलिब्रियम है ये बराबर होगा कंसंट्रेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट की स्पीशीज के डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ बी। यहां से आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हो कि जो आपका कंसंट्रेशन होता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का, ये आपका बराबर होगा के इक्विलिब्रियम इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ बी। उसके बाद हम लोग यहां पर मैंने लिखा हुआ है थर्ड पोस्टुलेट, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज एडिशनल एनर्जी विच शुड बी सप्लाइड टू द रिएक्टेंट इन ऑर्डर टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और टू रीच एट द पीक ऑफ एनर्जी बैरियर। इसे आप लोग बहुत पहले से पढ़ते हुए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के अंदर, कि आपके रिएक्टेंट को अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो आपको कुछ सफिशियंट अमाउंट की एनर्जी देनी पड़ेगी, जिसे आप लोग क्या बोलते हो, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बोलते हो। तो इस चीज को आप लोग पढ़ चुके हो। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है वो दो चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के ऊपर और फ्रीक्वेंसी ऑफ डीकंपोजिशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के ऊपर। तो यहां से आप लोग लिख सकते हो कि जो आपका रेट है वो बराबर होता है कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इनटू में फ्रीक्वेंसी ऑफ डीकंपोजिशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इसकी हमने निकाली अभी क्या निकाली है, के इक्विलिब्रियम इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ बी इनटू में फ्रीक्वेंसी फैक्टर। और मैं इसको क्या बोल रहा हूं, इस पूरे वाले पार्ट को क्या बोल रहा हूं, के इक्विलिब्रियम और फ्रीक्वेंसी फैक्टर को मैं क्या ले लेता हूं, एक साथ ले लेता हूं। अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा कन्वेक्शन वाली रेट कॉन्स्टेंट इक्वेशन से, आपके पास क्या होती है, रेट इज इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू में कंसंट्रेशन बी। तो आप लोग बोल सकते हो कि जो आपका के है ये आपका किसके बराबर होने वाला है, के इक्विलिब्रियम इनटू में म्यू के बराबर होने वाला है। यानी कि आपका रेट कॉन्स्टेंट क्या हो गया, के इक्विलिब्रियम इनटू में म्यू के बराबर हो गया। द वैल्यू ऑफ के इक्विलिब्रियम मे बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ थर्मोडायनामिक एंटिटी के अंदर भी प्रूव कर सकते हो आप लोग इसको, और आप लोग इसको स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स के साथ भी रिलेट कर सकते हो। थर्मोडायनेमिक्स आप लोग क्या पढ़ते हो, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर आपके पास एक रिलेशन होता है, सेम रिलेशन आपको ये देखने को मिलता है स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। तो आप लोग पार्टीशन फंक्शन को पढ़ लो, वहां पर जाके आप लोग उस रिलेशन को भी प्रूव कर पाओगे। तो डेल्टा जी वाला आपको इक्वेशन आती है तो इसको मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। थर्मोडायनेमिक अप्रोच हम लोग अभी पढ़ लेते हैं, और स्टैटिस्टिकल अप्रोच हम लोग कब पढ़ेंगे, जब आप लोग स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स को कंप्लीट कर लोगे। तो के इक्विलिब्रियम इज इक्विवेलेंट आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से ई रेज टू द पावर माइनस का डेल्टा जी अपॉन में आर टी। मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो आपका डेल्टा जी होता है ये आपका बराबर होता है जो आपका
डेल्टा जी है बराबर होगा माइनस के आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम के। तो अगर मैं ट्रांजिशन स्टेट की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप लोग क्या लगा दोगे, डेल्टा जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट लगा दोगे तो आपके पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। इसके बाद मैंने क्या लिया हुआ है, मैंने डेल्टा जी और यहाँ पर आर टी को मैं क्या लिया आया, इस साइड में लिया आया, आर टी को इधर लिया आया, माइनस को भी इधर लिया आया, क्या बन जाएगा इधर एल एन के इक्विलिब्रियम बन जाएगा। दोनों साइड आप लोग क्या ले लो, ई की पावर ले लो, यानी कि क्या बन जाएगा ये ई की पावर माइनस का डेल्टा जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट डिवाइडेड बाय आर टी ले लोगे इक्वल टू क्या बन जाएगा ये ई रेज टू दी पावर इन टू में एल एन आपके पास के इक्विलिब्रियम। तो इससे आप लोग क्या कर सकते हो, एल एन को काट सकते हो, तो आपके पास क्या बन जाएगा के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू ई रेज टू दी पावर माइनस डेल्टा जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट डिवाइडेड बाय आर टी। तो आपके पास रेट कॉन्स्टेंट क्या आ गया, इसके वैल्यू को क्या पुट कर दो, आप लोग यहां पर पुट कर दो, तो आपके पास रेट कॉन्स्टेंट क्या आ जाएगा, ई रेज टू दी पावर माइनस डेल्टा जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट डिवाइडेड बाय आर टी इन टू में फ्रीक्वेंसी फैक्टर। तो इसको मैं क्या नाम दे रहा हूं, इक्वेशन नंबर वन नाम दे रहा हूं, क्योंकि अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, डेल्टा जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट को भी हम लोग क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे, क्योंकि आपको एक फॉर्मूला और पता है कि जो आपका डेल्टा जी होता है वो आपका बराबर होता है डेल्टा एच माइनस के टी डेल्टा एस के। और उससे पहले हम लोग क्या कर देंगे, अपने फ्रीक्वेंसी वाले फैक्टर की भी कोई वैल्यू निकाल लेते हैं। उसको कैसे निकाल सकते हो आप लोग, कि जब भी आपके पास कोई भी स्टेज हाई टेंपरेचर के अंदर या फिर हाई एनर्जी रीजन के अंदर होती है, तो उस स्टेज के ऊपर आप जो थर्मल एनर्जी है वो उसको आप लोग कंपेयर कर सकते हो प्लैंक की एनर्जी के साथ। तो आप लोग कैसे बोलोगे, द वैल्यू ऑफ म्यू मे बी ऑब्टेन बाय इक्वेटिंग थर्मल एनर्जी एंड प्लैंक एनर्जी एज एच, यहां पर क्या हो जाएगा केबीटी हो जाएगा, यहां से म्यू आपका क्या हो जाता है केबीटी अपॉन में एच हो जाएगा। तो आप लोग म्यू को क्या लिख सकते हो, आर अपॉन में एन ए इंटू में टी अपॉन में एच भी लिख सकते हो, क्योंकि आपका के बी क्या होता है आर अपॉन में एन ए होता है। अगर आप लोग बात करो के बी तो क्या हो जाएगा, वो आर अपॉन में एन ए हो जाता है। तो उसकी वैल्यू को मैंने यहाँ पर पुट किया, वो सिंपल चीज मैंने यहाँ पर की हुई है, म्यू की वैल्यू अभी क्या निकल कर आ जाती है आर टी अपॉन में एन ए इंटू में एच हो जाती है। तो प्लगिंग द वैल्यू ऑफ म्यू इन द इक्वेशन वन, जिसको मैंने अभी इक्वेशन वन नाम दी, तो आपके पास रेट कॉन्स्टेंट क्या बन जाएगा, रेट कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस डेल्टा जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट अपॉन में आर टी इंटू में आर टी अपॉन में एन ए एच। अभी जो सिंबल मैंने यहाँ पर लगा रखा है, आप लोग क्या बोलते हो, इसको आप लोग डैगर बोलते हो, आपके पास क्या होता है डबल डैगर होता है, तो आप लोग क्या बोलते हो डबल डैगर बोलते हो। एक आपके पास होता है डैगर, एक आपके पास होता है डबल डैगर। डैगर का यूज आप लोग कहाँ करते हो, क्वांटम केमिस्ट्री में करते हो। उसका सिंबल आपके पास क्या होता है, एक आपके पास लाइन ऐसी होती है, आपके पास ऐसी होती है, आप लोग क्या बोलते हो सिंपल डैगर बोलते हो। लेकिन अगर आप लोग यहां पर एक लाइन को लगा दो, आप लोग क्या बोलते हो डबल डैगर बोलते हो। तो ट्रांजिशन स्टेट का सिंबल क्या होता है, डबल डैगर होता है। तो अब मैं इसको क्या बोलने वाला हूं, डबल डैगर बोलने वाला हूं आने वाले लेक्चर्स के अंदर। तो आपको थर्मोडायनेमिक्स से ये भी पता है कि जो आपका डेल्टा जी का डबल डैगर होता है बराबर होगा डेल्टा जी डबल डैगर माइनस टी डेल्टा एस डबल डैगर। उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया हुआ है, डेल्टा जी की वैल्यू को मैंने यहां पर पुट कर दिया, उसके जगह पे मैंने वैल्यू को पुट कर दिया। उसके बाद कुछ भी नहीं किया हुआ है, मैंने यहां पर एक्सपोनेंशियल को लिख दिया, इसको मैं क्या लिख सकता हूं e रेज टू द पावर माइनस डेल्टा एच के ऊपर डबल डैगर डिवाइडेड बाय आर टी इनटू में ई रेज टू दी पावर माइनस, माइनस क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, सो क्या बोल सकते हो आप लोग टी डेल्टा एस के ऊपर डबल डैगर डिवाइडेड बाय आर टी। तो इसको मैं इस तरीके से देखता हूं, टी से आपका टी कट जाएगा, तो क्या बन जाएगा पास, ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी पास, ये बन जाएगी ई रेज टू दी पावर माइनस डेल्टा एच के ऊपर डबल डैगर अपॉन आर टी ई रेज टू दी पावर डेल्टा एस डबल डैगर अपॉन में सिर्फ और सिर्फ आर इनटू में आर टी अपॉन में एन एच आपका पहले से ही यहां पर था। उसके बाद आपको यह भी पता है कि जो आपका डेल्टा एच होता है बराबर होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, या फिर आप लोग यहां पर क्या बोल सकते हो डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो ये इक्वेशन भी आपको पता है, तो मैं डेल्टा एच की वैल्यू को भी क्या कर देता हूं यहां पर पुट कर देता हूं। उसके बाद मैंने वैल्यूज को यहां पर पुट किया हुआ है, और सेम उसी तरीके से मैंने यहां पर भी क्या किया हुआ है एक्सपोनेंशियल को ऊपर से एक्सपेंड कर दिया, आपके पास पूरी इक्वेशन बन जाएगी। और इस इक्वेशन को आपको एज इट इज याद करना है, क्योंकि इस इक्वेशन के ऊपर से आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। इक्वेशन क्या बन जाएगी, आर टी अपॉन में एन एच ई रेज टू द पावर माइनस डेल्टा एन जी ऑफ डबल डैगर इनटू में डेल्टा एस डबल डैगर अपॉन आर ई रेज टू द पावर माइनस डेल्टा ई डबल डैगर अपॉन में आर टी। तो ये आपके पास पूरा क्या बन जाएगा, रेट कॉन्स्टेंट का पूरा की पूरा फैक्टर बन जाएगा। ये आपके पास क्या है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर से आया है, ये आपके पास क्या है आपके पहले वाली कंसंट्रेशन वाली फैक्टर से आया है। और कंसंट्रेशन वाले फैक्टर के अंदर आपके पास जो के इक्विलिब्रियम था उसके आपने क्या किया है यहां पर थर्मोडायनामिक ट्रीटमेंट किया है, यानी कि आपने डेल्टा जी से उसको रिप्लेस किया है और आपके पास इस टाइप की इक्वेशन आ गई है। और अगर आप लोग इस टाइप की इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो ये भी आपके पास एक गार्डनियर के टाइप की इक्वेशन ही आई है। अबव इक्वेशन इज ए गार्डनियर टाइप इक्वेशन, इसके अंदर आपके पास क्या है, पहले यहां पर कुछ कॉन्स्टेंट है, उसके बाद क्या है टी की कुछ पावर, यहां पर पावर क्या है वन है, उसके बाद क्या है एक्सपोनेंशियल वाली टर्म है, यानी कि रेट कॉन्स्टेंट आपका कैसा है, कुछ कॉन्स्टेंट है, टी के ऊपर कुछ पावर है, उसके बाद क्या है एक्सपोनेंशियल वाली टर्म है। तो सेम उसी टाइप की आई है, अगर उसी टाइप की इक्वेशन आई है तो आपको पता है कि आप लोग यहां से ये कैसे लिखते हो, जो भी आपके पास एक्सपोनेंशियल के अंदर एनर्जी होती है उसके अंदर आप लोग क्या ऐड करते हो आर टी के साथ, उसके साथ जो टी के ऊपर पावर होती है उसको आप लोग क्या करते हो साथ में मल्टीप्लाई कर देते हो। उसके बाद आप लोग प्लेसमेंट फैक्टर कैसे निकालते हो, आपके जो यहां पर कॉन्स्टेंट होता है इस कॉन्स्टेंट को लिखते हो एज इट इज,
उसके साथ आप लोग क्या लगाते हो, e raised to the power n को लगा देते हो। तो ये आपके पास क्या है, आर्हेनियस का प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है। ये आपके पास क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। आप लोग कैसे निकालते हो, आर्हेनियस की इक्वेशन कंपेयर करके निकालते हो। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आपके पास जो यहां पर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी है, इसका प्री एक्सपोनेंशियल आपके पास क्या होने वाला है, तो उसके अंदर आपके पास जितना भी यहां पर एक कांस्टेंट है, ये सारा के सारा कांस्टेंट क्या रहेगा, आपके पास प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर रहेगा ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। अगर आपको यहां से क्या लिखना है, आर्हेनियस का प्री एक्सपोनेंशियल लिखना है, तो क्या करना पड़ेगा, e raised to the power जो t के ऊपर पावर होती है वो आपको यहां पर लगानी है। t पे पावर कितनी है, 1 पावर, यानी कि आपको e raised to the power 1 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो डिफरेंस होता है आर्हेनियस के प्री एक्सपोनेंशियल के अंदर, आपका जो अभी भी निकला है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का प्री एक्सपोनेंशियल के अंदर, और एक आप लोगों ने देख लिया है कोलिजन थ्योरी का प्री एक्सपोनेंशियल। और उसके बाद आपको इन तीनों के बीच में कंपेयर करना भी आना चाहिए। यहां से आपके पास बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज्यादा टाइप के पास यहां से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये सारी की सारी चीजें याद होनी चाहिए। तो अगर आपके पास यहां पर इक्वेशन निकल कर आ गई है, ये आपके पास यहां पर क्या है, इक्वेशन है। अगर आपको इस इक्वेशन से क्या लिखना है, अपने एक्टिवेशन एनर्जी को लिखना है, जो कि आप लोग कैसे निकालते हो, आर्हेनियस से कंपेयर करके निकालते हो, तो डायरेक्ट हम लोग यहां पर इसका यूज करेंगे, गार्डनर के कांसेप्ट का यूज करेंगे। आपके पास यहां पर है ईए, क्या होता है, जो भी आपके पास एक्सपोनेंशियल के अंदर पावर होती है, पावर क्या है, डेल्टा ई ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, यानी कि आपके पास ईए क्या होने वाला है, डेल्टा ई ऑफ ट्रांजिशन स्टेट प्लस में आप लोग क्या कर देते हो, जो आरटी करोगे, और जो भी आपके पास टेम्परेचर के ऊपर पावर होती है उसको यहां पर साथ में मल्टीप्लाई करने वाले हो। टेम्परेचर पावर यहां पर कितनी है, 1 है, यानी कि आप लोग क्या करोगे, यहां पर 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो आपका एक्टिवेशन एनर्जी क्या निकल गया, डेल्टा ई के ऊपर डबल डैगर प्लस 1 आरटी। तो इस फॉर्मूले को आपको याद करना है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जहां से भी आएंगे वो आपके पास आएंगे इन फॉर्मूले के ऊपर से ही, और एक फॉर्मूला हम लोग और पढ़ेंगे वहां से। तो ये फॉर्मूले अगर आपको याद हो गए तो क्वेश्चंस तो आप लोग आराम से कर लोगे। फॉर्मूला डिराइव कैसे हो रहा है ये भी आपको पता है, और अगर आपको यहां पर लिखना है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ऑफ आर्हेनियस वाला, यानी कि किसके वाला, आर्हेनियस वाला, तो आपके पास इस कांस्टेंट के साथ आपको क्या अटैच करना पड़ता है, ई के ऊपर जो भी टेम्परेचर के ऊपर पावर, पावर कितनी है, 1, यानी कि आपको ई रेज़ टू द पावर 1 यहां पर अलग से ऐड करना पड़ेगा। तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आपको सबको समझ में आया है तो आप लोग इन फॉर्मुलेस को आराम से याद कर सकते हो। इन फॉर्मुलेस को मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक पेज के ऊपर कराऊंगा, उस पेज को आप लोग स्नैपशॉट ले लेना और उसको आपको याद करना है। अगर आपको उसको याद कर लिया तो आपके पास सारे क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा, आपको यहां से कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हो। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप आरजे एकेडमी को फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकते हो। आप लोग हमें गूगल पे कर सकते हो, फोन पे कर सकते हो, या फिर पेटीएम कर सकते हो। एनी सपोर्ट इज अप्रिशिएबल गाइस, ताकि आपके सपोर्ट की हम लोग आपके लिए नए नए कोर्सेज लाते रहें एकदम फ्री। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।